नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A15 5G versus Realme 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A15 5G में 6.3 इंच जबकि Realme 11 में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A15 5G में 3.02 इंच जबकि Realme 11 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A15 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A15 5G में 0.33 इंच जबकि Realme 11 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A15 5G में 200 ग्राम जबकि Realme 11 में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A15 5G में सुपर AMOLED जबकि Realme 11 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A15 5G में 19:5:9 जबकि Realme 11 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A15 5G में 6.5 इंचेस जबकि Realme 11 में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A15 5G में 1080x2340 और Realme 11 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A15 5G में 84.17% जबकि Realme 11 में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A15 5G में 396 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 11 में 392 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A15 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 11 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A15 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 11 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A15 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें RAM की तो A15 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB की रैम मिलती है जबकि Realme 11 में 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A15 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 11 में 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A15 5G में अप टू 1TB जबकि Realme 11 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A15 5G में Android V14 जबकि Realme 11 में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A15 5G में 3 कलर्स जबकि Realme 11 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A15 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,590 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 22,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Realme 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 18,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy A15 5G में 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 11 की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A15 5G आगे है, मेन कैमरा में Realme 11 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।